Hello YouTubers, so welcome again in the Mystic Himachal series videos. So today we are at the Bhimakali Mandir Sarahan, Himachal Pradesh. So ye Bharat mein Devi Maa ke 51 Shakti Peethon mein se ek hai. Aur aaj hum yahan isko visit karne aaye hain. Aur ये कुछ और स्पॉट्स हैं जो नियर बाय हैं, तो कल्पा किन्नौर, कमरू फोर्ट सांगला, और ये है भीमकाली टेंपल सरान. सो ये बहुत ही पौराणिक मंदिर है और काफी बड़ा मंदिर है, बहुत आस्था है इसकी. तो अभी हम हैं मंदिर की मार्केट के पास, जहां पर श्रद्धालु लोग प्रसाद आदि लेते हैं, माता की भेंट आदि चीज़ें लेते हैं. और अब हम बढ़ रहे हैं इसके मेन एंट्रेंस की तरफ. तो ये है इसका मेन एंट्रेंस. अभी हम इसको चारों तरफ से देखेंगे. मैं आपको एक व्यू दिखाऊंगा इसका. तो ये है सामने मेन एंट्रेंस, आप देख सकते हैं. और ये रहा इसके इर्द गिर्द का व्यू, ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ों के बीच में ये शक्तिपीठ. ये रहा मंदिर. तो चलते चलते बात करते हैं इस मंदिर के ऐतिहासिक पक्ष की. तो जैसे कि आपको पौराणिक कथा का पता ही है कि दक्ष ने जब यज्ञ किया था और सती ने अपनी आहुति दी थी, तो कहा जाता है कि सती का कान यहाँ पर गिरा था और इसलिए ये एक शक्तिपीठ बन गया है. तो बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की. ये इसका पहला कॉरिडोर है, लकड़ी के वर्क को आप देख सकते हैं. और यहाँ पे अन्य मंदिर भी हैं. एक मंदिर ये है मेन, जो देवी माँ का मंदिर है वो दो कॉरिडोर्स पार करके है. तो ये रहा इस मंदिर का व्यू. सो देवी माँ के मंदिर के अलावा जो अन्य तीन मंदिर हैं, उनमें से एक मंदिर है रघुनाथ जी का, एक मंदिर है नरसिंह भगवान का, और एक मंदिर है पताल भैरव, जो एक रक्षक देवता हैं, उनका मंदिर भी यहीं पर इस्टेब्लिश है. और ये फिर से एक एंट्रेंस, लकड़ी का वर्क, और सेम एक और कॉरिडोर है. और इसके बाद मेन मंदिर होगा. अंदर मोबाइल ले जाना मना है, इसलिए मैं बाहर से आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ. अंदर हमारा मोबाइल जमा कर लिया जाएगा, तो चलते हैं. अब यहाँ पे लॉकर है, मोबाइल बेल्ट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ छोड़ना होगा. तो हम लॉकर नंबर 18 लेंगे. अखिल जी यहाँ पे नेपाल से आए हुए. इससे आगे मोबाइल ले जाना वर्जित है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से उस. अंदर का नज़ारे अपने आप यहाँ सोए आके देखें. हम आपका यहीं तक साथ दे सकते थे. धन्यवाद.